हेलो फ्रेंड्स मैं रेनू अपने चैनल नेटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ये कैप बनाने का वीडियो लेकर आई इस कैप को हमने कैसे बनाया है सबसे पहले हमने ये वाला पोर्शन बनाया है इसका ये जो उल्टी उल्टी धारियां आ रही हैं इसको हमने बनाया है शुरुआत यहां से कर कर इसको पूरा इस तरह से हमने पूरा राउंड बनाया है उसके बाद ऊपर से फंदे उठा के ये वाला पोर्शन बनाया है और फिर इसमें ये फंदे उठा करके हमने ये आई कॉर्ड बना करके पॉम पॉम लगाए और एक पॉम पॉम ऊपर लगाया इसके साथ ही हमारी कैप तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स आइए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं ये कैप बनाने के लिए जो हमने वूल लिया है ये है गंगा एक्रो वूल्स और इसका शेड नंबर वन और लॉट नंबर तेरह ये पच्चीस ग्राम का हमारा गोला है देखते हैं हमारी ऊन कितनी लगती है सबसे पहले हमने बारह फंदे सलाई पर डालने हैं सलाई ली है हमने दस नंबर की सबसे पहले हमने बारह फंदे सलाई पर डालने हैं ये न्यू बोर्न बेबी का साइज हम बना रहे हैं फंदे हमारे उसी हिसाब से चलेंगे जैसे कि अगर हम बारह फंदे डाल रहे हैं तो न्यू बोर्न बेबी से महीने तक का ये साइज बन करके आएगा अगर हम पंद्रह फंदे डालेंगे तो हमारा ये एक साल तक के बच्चे के लिए कैप तैयार होगा तो अभी हमने न्यू बॉर्न का साइज बनाना है तो हमने बारह फंदे इस पर डालने हैं बारह फंदे हमने डाल लिए अब हमने दोनों तरफ से सीधी सीधी सलाइया बनाते हुए इसको बारह ही सलाइयों तक बनाना है जितने फंदे डालेंगे उतनी ही सलाइया हम इसमें बनाएंगे सीधी तरफ से भी सीधी सलाई और उल्टी तरफ से भी सीधी सलाई ये देखें पहली सलाई बना रहे हैं हम पूरी सलाई हमारी सीधी बन गई अब ये साइड पर हम आ गए इधर से भी हमने सलाई पूरी सीधी बना लेनी है पहला फंदा उतारा ऊन पीछे ले गए और बाकी सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे इसी तरह से दोनों तरफ से सीधी सीधी सलाइया बनाते हुए हमने बारह सलाइया अपनी कंप्लीट करनी है ये देखें दो सलाइयों से हमारी इस तरफ राइट साइड पर एक ये उल्टी धारी आई है ये देखें जब हम बारह सलाइया बनाएंगे तो इस तरह की छह धारिया हमारे पास आ जाएंगे ये देखें बारह सलाइया हमारी कंप्लीट हो गई ये छह धारिया हमारे आ गई हैं एक दो तीन चार पांच छ अब हमने क्या करना है ये देखें ये फंदा हमने उतारा ऊन पीछे ले गए इस तरफ हमने फंदे बढ़ाना शुरू करना है ये फंदा हमने उठाया और इसमें से पहले हमने एक फंदा बना लिया और अब ये मेन फंदा हमने बनाया बाकी फंदे एज इट इज बनेंगे सलाइया दोनों तरफ से सीधी ही बनेंगी ये फंदा बढ़ाने के बाद कॉर्नर पर यह पूरी सलाई हमने बना ली अब ये रोंग साइड से भी पूरी सलाई हम सीधी बना लेंगे अब ये देखें उल्टी तरफ से भी सलाई हमने पूरी सीधी बना ली आ गए फिर से राइट साइड पर अब फिर से हमने फंदा बढ़ाना है ये उतारा फंदा ऊन पीछे ले गए ये नीचे से फंदा उठाया इसको हम पहले बना लेंगे और फिर ये हम मेन फंदा बनाएंगे अब ये पूरी सलाई सीधी और फिर उल्टी तरफ से भी पूरी सलाई हम सीधी बना लेंगे इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए हमने बारह फंदे बढ़ाए बढ़ाने हैं अगर हमने यहाँ पे चौदह फंदे डाले होते तो हम चौदह ही फंदे बढ़ाते यानी जितने फंदे से हमने शुरू किया है उतनी हमने सलाइया बनानी है और फिर उसके बाद हमने उतने ही फंदे बढ़ाने हैं ये एक बार फिर से बताती हूँ मैं फंदा कैसे बढ़ाना है ये फंदा हमने उतारा ऊन पीछे ले गए और अब ये जो हमारा पहले का बना फंदा है इसके नीचे से ये हमने उठाना है ये देखें ये ये, ये फंदा उठा करके सीधा फंदा बना लेना है फिर जो हमारा मेन फंदा है उसको बना लेना है इसी तरह से हमने बारह फंदे बढ़ने तक बनाना है यानी सिलाई में हमारे पास चौबीस फंदे टोटल हो जाने चाहिए ये राइट साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे और रोंग साइड से उल्टी तरफ से हमने सारे फंदों को सीधा नॉर्मली बना लेना है ये देखें बारह फंदे हमारे बढ़ गए हैं बारह फंदे हमने यहां से डाले थे बारह सलाइया बनाई फिर फंदे बढ़ाना हमने शुरू किया और चौबीस फंदे अब हमारे यहां पर हो चुके है ये देखें दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस और चौबीस अब हमने यही जो बारह फंदे बढ़ाए हैं इन्हीं को हमने घटाना है वो हम कैसे करेंगे ये फंदा उतारा हमने उन पीछे ले गए और अब ये देखें इस तरह से पीछे में से दो फंदों के सलाई डाली और ये दो का हमने एक कर लिया बाकी फंदे एज इट इज हमारे सीधे बनेंगे जैसे हम बना रहे थे और उल्टी सलाई की तरफ से भी ये रोंग साइड से भी सलाई पूरी सीधी ही हमारी बनेगी जो भी हमारा काम होगा वो यहां पर जब हम सीधी तरफ से फंदे बनाना शुरू करेंगे तो ये दो फंदे का एक करते जाएंगे एंड में हमारे पास बारह ही फंदे रह जाने चाहिए अब ये देखें सीधी तरफ से सलाई कंप्लीट हो गई हमारी उल्टी तरफ आ गए इधर से भी सारी सलाई हमारी सीधी बनेगी सलाइयां हमारी दोनों तरफ से सीधी ही बन रही हैं। अब ये देखें फिर से राइट साइड पर है पहला फंदा हमने उतारा ऊन पीछे ले गए और अब ये दो फंदों का हमने एक करना है बाकी फंदे फिर सारे सीधे और ये इस तरफ से रॉन्ग साइड से सलाई पूरी सीधी इसी तरह से बनाते हुए हमने इसको उतना ही बना लेना है जैसे हमने बारह फंदे बढ़ाए हैं तो बारह ही फंदे हम घटा लेंगे और हमारे पास यहाँ पर फिर इतने ही बारह फंदे रह जाने चाहिए जिससे हमने शुरुआत करी थी अब देखें सारे फंदे हमने ये बारह घटा दिए हमारे पास बारह ही फंदे सलाई में बचे हैं दो चार छह आठ दस और बारह अब हमने क्या करना है जैसे हमने ये छह धारियों तक बनाया था बारह सलाइया छह धारियों तक अब हमने यहाँ पर इसको बारह धारियों तक बनाना है इन्हीं बारह फंदों को दोनों तरफ से सीधा बनाते हुए बारह धारी आने तक यानी चौबीस सलाइया प्लेन हमने बना लेनी है दोनों तरफ से सीधे फंदे सीधी तरफ से भी सारे फंदे ये बारह सीधे और उल्टी तरफ से भी ये बारह फंदे हमने सीधे ही बनाते हुए चौबीस सलाइया बारह उल्टी धारियों तक इसको बना लेना है अब ना कोई फंदा हमने घटाना है ना बढ़ाना है अभी इसको 24 सलाइयों तक हमने ऐसे ही 12 फंदों को दोनों तरफ से सीधा बना लेना है अब ये देखें इसको हमने आगे कैसे बनाया है ये बारह धारियां हमने बना ली एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह चौबीस सलाइयों से ये बारह धारियां हमारी बन गई है फिर हमने बारह फंदे यहाँ पर बढ़ाए हैं ये हमारे चौबीस सलाइयों से बारह फंदे बढ़ गए और फिर बारह फंदे हमने घटाए हैं चौबीस सलाइयों से बारह फंदे हमारे घट गए और फिर हमने ये छह धारियां यहाँ पर बना लिए बारह सलाइयां छह धारियां जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया था टोटल ये इस तरह से बन करके आएगा अब ये मैं एक बार आपको कॉपी में बताती हूँ कि ये हमने कैसे बनाया है ये देखे हमने बारह फंदे डाले बारह फंदे डाल करके हमने बारह सलाइया बनाई जिससे हमारी छह धारियां आई फिर हमने यहाँ पर बारह फंदे बढ़ाए हैं जो हमारे चौबीस सलाइयों में बढ़े हैं सीधी तरफ हमने फंदा बढ़ाया है और उल्टी तरफ से पूरी सलाई सीधी बनाई है फिर हमने उन्हीं बारह फंदों को घटाया है फिर यहाँ पर हमने चौबीस सलाइया बनाई है जिससे हमारी बारह धारियां यहाँ पर उल्टी आई है फिर इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बारह फंदे बढ़ाए और फिर बारह घटाए इसी तरह से यहाँ पर भी हमने बारह फंदे बढ़ाए और फिर बारह फंदे घटाए और फिर जैसे यहाँ शुरू में हमने बारह सलाइया बनाई थी जिससे हमारी छह धारियां आई थी उस तरह से हमने यहाँ पर इसको बना लिया है अब हम क्या करेंगे अब हमने यहाँ पर इसको बंद करना है बंद करके फिर हम ये फंदे उठाएंगे और फंदे उठा करके फिर हम इसे आगे बनाएंगे ये देखें इस जगह से यहाँ से और जो हम बनाएंगे ऊपर उसकी टोटल लेंथ हमारी साढ़े तीन इंच हम बनाएंगे अब मैं आपको ये बंद करके बताती हूँ अब ये देखे राइट साइड पर है हम अब ये सारे हम फंदों को बंद करते हैं बारह फंदों को फंदा उतारा उन पीछे ले गए अगला फंदा सीधा ये पिछला बनाया हुआ अगले के ऊपर से उतार दिया ये इसी तरह से देखे सारे फंदे हमारे बंद हो गए अब हमने क्या करना है ये फंदे उठाना यहां से शुरू करना है किनारे से ये देखे एक फंदे में से हमने एक ही फंदा उठाना है इस तरह से ये सलाई के एंड तक हमारे जितने भी फंदे हैं ये यहां तक हम उठा लेंगे ये एंड तक हम फंदे उठा लेते हैं ये देखें लास्ट फंदा ये हमारा उठा और फिर एक फंदा हम ये यहाँ से जहां से हमने फंदे डाले थे अपने ये वाली लाइन यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे अब ये देखें टोटल हम फंदे गिनते हैं हमारे कितने हो गए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौतीस छत्तीस अड़तीस चालीस बयालीस चौवालीस छियालीस अड़तालीस पचास बावन चौवन छप्पन अठावन साठ बासठ चौंसठ छियासठ अड़सठ और ये सत्तर और तीन तिहत्तर अब ये देखें हमने राइट साइड से फंदे उठाए अब ये हम आ गए रॉन्ग साइड पर अब हम ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे तिहत्तर फंदे हैं ये हमारे पास अब इसको हम चौहत्तर करने के लिए बीचो बीच में कहीं पर यहां पर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे बन। अब ये देखें ये बीच में हम आ गए हैं लगभग यहाँ पर हम ये दो फंदों के बीच में से सलाई डाल करके और ये जो हमारा धागा जा रहा है यहीं से हम एक फंदा अपना और बढ़ा लेंगे ये देखें ये देखें। एक फंदा हमारा बढ़ गया फंदे हमारे हो गए चौहत्तर अब हमने क्या करना है उल्टी तरफ से उल्टी सलाई और फिर जब हम सीधी तरफ आएंगे तो सीधी सलाई इस तरह से बनाते हुए ये इसकी हाइट को यहां से लेकर और ऊपर तक जहां तक हम बनाएंगे साढ़े तीन इंच हमने बना लेना है ये देखे टोटल हाइट हमने इसकी बनाई है चार इंच ये यहां तक सवा दो इंच है और ये नीचे हमारी डेढ़ इंच के करीब हाइट है ये देखें टोटल हाइट इसकी चार इंच है अब हमने क्या करना है अब इसको हमने शेप देनी है शेप देने के लिए हम क्या करेंगे छह फंदे हम पहले सिंपल बनाते हैं तीन चार पांच और ये छ अब हमने यहाँ पर तीन का एक करना है पहले दो फंदों को हम ऐसे उतारेंगे तीसरा फंदा बनाएंगे और ये दो फंदे उठा करके इसके ऊपर से हम उतार देंगे जैसे हम वी नेक की फली बनाते हैं सेम उसी तरीके से ये हमने तीन का एक करना है फिर देखें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब बारह फंदे सिंपल बनाने के बाद फिर तीन का एक करेंगे ये दो फंदे हमने ऐसे उतारे एक फंदा ये बनाया तीसरा फंदा और ये दो फंदे उठा करके इसके ऊपर से हमने उतार दिए ये तीन का एक हो गया फिर हम बारह फंदे बनाएंगे ये बारह फंदे हमने सिंपल बना लिए फिर तीन का एक ये देखें दो फंदे उतारे एक साथ ऐसे तीसरा फंदा बनाया और ये दो फंदे उठा करके इसके ऊपर से हमने उतार दिए तीन का एक ऐसे ही हम इसको बनाएं, फिर बारह फंदे बना करके फिर तीन का एक हम करेंगे अब ये देखें, फिर से तीन का एक हम कर रहे हैं। दो फंदे उतारे तीसरे को हमने बनाया और ये दो फंदे उठा करके इसके ऊपर से हमने उतार दिए तीन का एक हो गया अब इस तरफ हमारे पास एंड में रह गए हैं पांच फंदे दो तीन चार और ये पांच अब हमने क्या करना है रॉन्ग साइड पर अब हम आ गए ये फंदा हमने उतारा ऊन पीछे ले गए एक दो तीन और ये चार ये चार फंदे हमने सीधे बनाए एक उतारा ये हमारे पांच फंदे हो गए अब ये फंदा आ गया हमारा जो तीन का एक है इसको हम आगे ऊन कर उल्टा बनाएंगे फिर पीछे ऊन ले जाएंगे ये जो बीच में बारह फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे फिर तीन का एक वाला जो हमारा फंदा आएगा उसको फिर हम उल्टा बनाएंगे ये देखें बारह फंदे हमने सीधे बना लिए आगे ऊन ये तीन का एक वाला फंदा आ गया इसको हम उल्टा बनाएंगे पीछे ऊन फिर हम ये बीच के बारह फंदे सीधे बनाएंगे फिर तो ये देखे तीन का एक वाला फंदा आ गया आगे उन इसको हम उल्टा बनाएंगे फिर पीछे उन ये बारह फंदे हम सीधे और तीन का एक वाला फंदा उल्टा इसी तरीके से इस सलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं अब ये देखे एंड पर आ गए हम ये पांच फंदे हमने सीधे बना लिए लास्ट वाले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे फिर आ गए हम ये सीधी सलाई की तरफ अब हमने ये पांच फंदे सीधे बनाने दो तीन चार और ये पांच अब ये जिस फंदे पर हम तीन का एक कर रहे हैं इस पे ये आसपास वाले मिलाकर हम तीन का एक करेंगे ये देखें ये तीन फंदों का एक बनाएंगे ये दो हमने ऐसे उतारे ये फंदा हमने सीधा बनाया और ये दोनों उठा करके इसके ऊपर से हमने ये उतार दिए। फिर बीच के ये सारे फंदे एक फंदा रहने तक हम सीधे बनाएंगे अब ये देखें ये तीन फंदों का एक करेंगे ये दो फंदे हमने ऐसे उतारे तीसरा फंदा हमने बनाया और ये दोनों उठाकर इसके ऊपर से उतार दिया अब ये दस फंदे हम सीधे बना लेते देखें फिर ये तीन फंदों का एक करेंगे ये दो ऐसे उतारे हमने तीसरा बनाया और ये दो उठाकर इसके ऊपर से हमने उतार देने ये देखें तीन का एक हो गया इसी तरीके से सलाई का एंड करते हैं अब ये देखें यहाँ पर हम लास्ट बार तीन का एक कर रहे हैं ये दो फंदे उतारे तीसरे को सीधा बनाया और ये दो इसके ऊपर से हमने उतार दिए ये तीन का एक अब इधर हमारे बचे चार फंदे अब उल्टी सलाई पर जैसे हमने पहले बनाया था बीच वाले फंदे हम सीधे बनाएंगे ये तीन का एक वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे ये तीन फंदे सीधे बना लेंगे एक फंदा उतारने के बाद आगे ऊन करेंगे ये तीन का एक वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे फिर पीछे ऊन करेंगे ये बीच वाले फंदे हम सीधे बनाएंगे ये देखे तीन का एक वाला फंदा है इसे हम आगे ऊन कर कर उल्टा बनाएंगे ये इसी तरह से हम दोनों तरफ से सलाइया बनाते रहेंगे सीधी साइड जब हम आएंगे तो इस फंदे पर तीन का एक करते जाएंगे ये देखे बंद करते करते अब हमारे पास बीच में रह गए हैं चार फंदे और ये किनारे पे दो फंदे हैं, और इस तरफ हमारे पास एक फंदा है क्योंकि इधर हमने पांच फंदे रखे हुए थे अब फिर से इसको ऐसे ही ये फंदा उतारा अब यहां पर तीन का एक करेंगे तो ये दो फंदे हमने उतारे ये बनाया और ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया अब दो फंदे रह जाएंगे ये फिर ये तीन का एक अब ये लास्ट बार तीन का एक करने के बाद हमारे पास इधर कोई फंदा नहीं बचेगा अब उल्टी सलाई हम जैसे बना रहे थे ये तीन का एक वाला फंदा उल्टा और बीच वाले फंदे दो ये सीधे अभी लास्ट फंदा भी ये तीन का एक वाला उल्टा और ये लास्ट वाला भी उल्टा अब फिर से हम तीन का एक करेंगे ये देखें ये दो फंदे उतारे और ये बनाया ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया फिर ये ये दो उतारे ये एक बनाया और ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया फिर ये तीन का एक तीन का एक फिर से अब बीच के हमारे सारे फंदे खत्म हो चुके हैं ये भी तीन का एक और लास्ट में ये हमारे पास दो ही फंदे हैं इधर अ ये तीन का एक जो ये फली चल रही है इसके बाद कोई फंदा नहीं है तो इसे हम ऐसे ही दो का एक बना लेंगे अब हमने थोड़ी सी ऊन काट करके उसमें सुई डाल करके इनको बंद करना है अब ये देखें ये थोड़ी ऊन कट करके हमने इसमें सुई डाल लिए। अब ये धागा इधर है अब इस तरफ से हम ये फंदे ये सुई में डाल लिए एक बार और फिर ये एक बार हम और डाल लेते हैं फिर हम इन फंदों को छोड़ेंगे देखें। ये टाइट कर लिया हमने ये बंद हो गया अब हम यहां से ये सिलाई कर लेते हैं सिलाई के लिए फंदा जो हमारा लास्ट वाला है उसके किनारे किनारे वाला पोर्शन हम ले रहे हैं ये देखें इस तरह से अब ये देखें इसको हम यहां तक सिलाई कर लेते हैं पहले फिर आगे देखते हैं हमने क्या करना है ये देखें ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ तक अब ये देखें टॉप पर इस तरह से ये लुक आया है कैप का अब हमने क्या करना है ये जो दोनों सिरे हैं ये ये जो ट्रायंगल आया है यहां से अब हमने फंदे उठा करके आईकॉर्ड बनानी है आप चाहें तो इसमें क्रोशिए से भी डोरी बना सकते पर मैं ये फंदे उठा करके और ये डबल पॉइंटेड नीडल ले लिए इसके लिए हमने बिल्कुल कॉर्नर पर से एक फंदा हम ये उठा लेंगे ये नोट हमने नहीं लगाई है उनको डबल करके ही ले लिया है हमने ये देखें इस तरह से अब इधर लाए हम सिलाई देखें एक दो और ये तीन तीन फंदों की हम आई कोड बना लेंगे फिर इधर लाए सलाई ये मैं अपना पहले कैप में भी बना चुकी हूं इस तरह की आई कॉर्ड और मैं अलग से भी इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूं लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वहां से हेल्प लेकर भी आप इसको बना लेंगे अब ये कॉर्ड हम आठ इंच की लेंथ तक बना लेते हैं उसके बाद हम इसमें पॉम, पॉम भी लगा सकते हैं या जैसे मैंने पहले लीफ बनाई थी एंड में पॉम, -पॉम लगाने की बजाय आईकॉड के एंड पर लीफ बनाई थी उस तरह से भी इसको हम बना सकते हैं अब ये मैं आईकॉड आठ इंच की बना करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ ये देखें ये आईकॉड हमारी बनी है सवा आठ इंच तक और उसके बाद इसमें हमने पॉमपम लगा लिया है और इसमें ऊपर भी हमने जहां पर सुई से हमने अपने बचे हुए फंदे बंद किए थे वहां पर पम्प लगा लिया उसके साथ ही हमारी कैप तैयार हो गई है ये जो हमारी कैप है न्यू बॉर्न से लेकर तीन चार महीने के बच्चे को आ जाएगी इसकी देखें चौड़ाई कितनी है ये देखें छह इंच से निकलती हुई इसकी चौड़ाई है ये देखें और ऊंचाई इसकी कितनी आई है पांच इंच ये देखें चार इंच तो हमने हाइट बनाई थी और उसके बाद एक इंच समझ लें तो पांच इंच इसकी ऊंचाई बनी है ये देखें फ्रेंड्स कैप का लुक मैं आपको अभी ये डमी को पहना करके दिखाती हूँ ये देखें इस तरह का लुक आ रहा है कैप का ये कैप इसको हल्की सी बड़ी है क्योंकि ये न्यू बॉर्न का साइज है तो ये हमारी कैप तीन चार पांच महीने के बच्चे को भी आ जाएगी फ्रेंड्स या ये समझे कि छह मंथ तक के बच्चे को आराम से ये हमारी कैप आ जाएगी अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा कैप का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स